साथ मैं हूँ एस गौरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जगदलपुर से करने जा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन बताया जाता है। तो कपाल चित्रकोट में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे, वन अधिकार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, ग्राम विकास सुपोषण कार्यशाला में होंगे शामिल, लाखों रूपये के कार्यक्रमों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चलिए रुख करेंगे जगदलपुर से सहयोगी आशुतोष तिवारी का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरे का आज दूसरा दिन है और कई कार्यक्रमों की सौगात आज वो यहाँ पे देने वाले हैं। क्या खास तस्वीरें इस वक्त आप हमारे दर्शकों को वहाँ से दिखा रहे हो, क्या विशेष जानकारी इस वक्त दर्शकों के लिए? बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से भूपेश बघेल बस्तर में दो दिनों की दौरे पर हैं और लगातार बस्तरवासियों को करोड़ों का सौगात यहाँ पर मिल रहे हैं। अब तक 220 करोड़ की बस्तरवासियों को सौगात मिल चुका है और लगातार टोकापाल में कार्यक्रम है, जैसे कि कल दंतेवाड़ा में कार्यक्रम था और जगदलपुर में भी एक कार्यक्रम रखा गया था। उसके बाद से आज 11:50 से मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही जोड़ा जाए इसको उपचुनाव से भी जोड़ के देखा जा सकता है। जिस तरीके से बस्तर में दो विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर बड़े नेताओं का दौर यहाँ पर लगातार शुरू हो चुका है और जिस तरीके से दंतेवाड़ा विधानसभा और चित्रकोट विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को यहाँ पर साधेंगे और चुनाव को लेकर यहाँ पर देखा जाएगा। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री का जिस तरीके से दौरा लगातार यहाँ पर हो रहा है, बस्तरवासियों को बड़ा सौगात मिलता यहाँ पर नजर आ रहा है और जिस तरीके से नगर निगम की जो कार्यशाला है उसको प्रभावित करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। और हालांकि जो सरकार कांग्रेस की सरकार आई है जो पूरा हुआ है कुछ दिन जो पूरा हुआ है उसमें कार्यकर्ताओं में काफी जोश भी है और उत्साह भी है। आप देख सकते हैं कि आशुतोष तस्वीरें आप हमें लगातार दिखा रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। हम चाहेंगे कि वहाँ पे जो मौजूद हितग्राही है, जो अधिकारी हैं, आप उनसे चर्चा करें और क्या और जानकारी मिल पा रही है वो भी हम चाहेंगे कि उनके जरिए भी आप थोड़ा दर्शकों तक पहुंचाएं कि क्या कुछ अपेक्षा है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रखते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़िया सरकार है और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है। हम बात करना चाहेंगे जो स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बिल्कुल आप बता देंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर भूपेश बघेल दो दिन बस्तर दौरे पर हैं तो दो दिन बस्तर दौरे पर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और क्या लगता है कि बस्तरवासियों को कैसा सौगात मिल रहा है यहाँ पर, आप क्या आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हम लोग मीडिया के लोग हैं, बस्तर में ही पत्रकारिता हम कर रहे हैं। निस्संदेह भूपेश बघेल जी एक किसान पुत्र होने के नाते बस्तर का बार बार जो दौरा कर रहे हैं, टोकापाल का दौरा दो बार किसी कारणवश रुक गया था, आए हैं और उनकी बातों से तो लगता है बोले कि बस्तर को जो सौगात देने की बात कर रहे हैं, बस्तर के विकास करने की जो बात कर रहे हैं, उनकी बातों से तो लगता है। बिल्कुल, हमारे साथ मीडिया के साथी भी मौजूद थे, उनका भी कहना है कि जो जिस तरीके से यहाँ पर सौगात मिल रहा है बस्तरवासियों को, काफी उम्मीदें भी थी और इस उम्मीद पे खड़े उतरते नजर आ रहे हैं कांग्रेस सरकार जो है अभी। हम इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि चित्रकोट में भी ये सभा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर किस तरीके से भीड़ लगा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्साह है और उत्साह के कारण ही इस तरीके से भीड़ देखने को मिलता है और लगातार जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद हैं और काफी जोश है कार्यकर्ताओं में भूपेश बघेल को सुनने के लिए और क्या कुछ उनको नई सौगातें भी मिल सकती है इसकी भी उम्मीद लगाए यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। और हालांकि देखा जाए तो कुछ ही समय में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और सभा को संबोधित। बिल्कुल, क्योंकि आशुतोष हम तस्वीरों में जी आशुतोष हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि मंच पे जो यहाँ पे जो कलाकार है वो प्रस्तुतियां भी दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप ये भी जानकारी दें कि किस तरह की ये प्रस्तुति है, क्या कुछ रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन वहाँ पे किया जा रहा है और क्या अपेक्षाएं मुख्यमंत्री से क्षेत्र की जनता को इस वक्त है। देखिए,
लिए यहाँ पर लगातार जैसे ही बड़े कार्यक्रम होते हैं या किसी तरीके से जो भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है उसमें छत्तीसगढ़ी जो गीत है, छत्तीसगढ़ जो कला है उसको प्रस्तुति यहाँ पर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रस्तुति चालू हो गया है। इस तरीके से यहाँ पर जो कलाकार हैं, बस्तर के स्थानीय जो भाषा होता है उसमें यहाँ पर कला का प्रदर्शन करते हैं और उत्साह भी भरते हैं इसको लेकर। जिस तरीके से यहाँ पर जो बस्तर का जो स्थानीय भाषा है उसमें ये गीत होता है और स्थानीय जो कला है उसको प्रस्तुति करते हैं और मनोरंजन करते हैं यहाँ पर। साथ ही मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इस तरीके से जुड़े हुए, जमीनी से जुड़े हुए लोग, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जैसे कि यहाँ पर कलाकार प्रस्तुति अपना दे रहे हैं लगातार, तो लोग भी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं कार्यकर्ता उनमें भी ये उत्साह होता है। और कार्यक्रम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर काफी की संख्या में यहाँ पर भीड़ मौजूद है और लोग में बहुत उत्साह भी है कि हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं और ये पहला दौर आने। देखो आशुतोष, साथ ही हम ये भी जानकारी चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ परिवर्तन क्षेत्र की जनता इस नई सरकार के बनने के बाद देख रही है, 8 महीने में क्या कुछ परिवर्तन वहां पे हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। आशुतोष, आप बिल्कुल नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट्स लेंगे और हम इस खबर पर लगातार अपने दर्शकों को जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह से आज सीएम आपको बता दें भूपेश बघेल बस्तर दौरे पर रहेंगे। यहाँ पे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्र को आपको बता दें कि कई सौगातें यहाँ पर मुख्यमंत्री के जरिए दी जाएगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि यहाँ पर उपचुनाव भी है, उसको लेकर ये जो दौरा है बेहद खास बताया जाता है। बहुत शुक्रिया आशुतोष जानकारी के लिए। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर देख लेते हैं।